कमलागंज पुल के पास गली में गंदगी का ढेर, कई लोग बीमार। शिवपुरी के कमलागंज के पुल से खबर है, जहां पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। आम जनता ने गली के रास्ते से निकलना भी बंद कर दिया है। 2 महीने बीत चुके हैं, इस गली की नालियां जो हैं वो गंदगी से पटी हैं। नगर पालिका इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। कमलागंज पुल के पास गली में रहने वाले लोग बीमार पड़ चुके हैं। यहां तक कि यहां के दुकानदार इस गंदगी से काफी परेशान होकर मजबूरन 2 रोटी कमाने के लिए दुकान खोलने को मजबूर हैं। कई बार इसकी शिकायत 181 पर की गई है, जन सुनवाई में भी की गई है, लेकिन अभी तक इसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। एक तरफ शिवपुरी शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, डेंगू ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं और अब इस गंदगी की वजह से छोटे छोटे बच्चे भी बीमार पड़ चुके हैं। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सब लोग इकट्ठा होकर डिजिटल मीडिया पत्रकार अरशद अली के पास पहुंचे और गली की गंदगी को दिखाया और बोले कि आप हमारी मदद करें, हम 2 महीने से परेशान हैं। यहाँ के रहने वाले इस गंदगी से हर घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार पड़ चुका है। पार्षद चुनाव के वक्त भोली भाली जनता को बड़े बड़े दावे कर उनके सामने दिखावा करते हैं और उनका कीमती वोट लेने के बाद में पलट जाते हैं। इस गली की तरफ देखना पसंद नहीं करते। अब देखना होगा कि कब तक सोती हुई नगर पालिका की नींद खुलेगी और कब कमलागंज पुल के पास की ये गली को जनता को इस गंदगी से निजात मिल सकेगी। इसकी कई बार कंप्लेंट हो चुकी है नगर पालिका से भी, जो कर्मचारी हैं उनसे भी बात होती है और सी एम एल क्लाइन नंबर लगाया मैंने, तो उसकी मैं रिपीटेशन कराता रहता हूँ। लगभग 15 दिन में 10 दिन में मेरे पास सी एम एल क्लाइन नंबर से फ़ोन आता है, तो वो ये बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि समस्या का निराकरण हो गया, पर मैं उनसे बोलता हूँ सर समस्या का निराकरण तो हुआ ही नहीं, समस्या वैसी की वैसी है। कब से ये गंदगी हो रही है यहाँ पे? लगभग दीपावली से पहले 15 से 20 दिन हो गए। जब से कोई सफाई नहीं हुई है सर, अभी सफाई होती है, वही मोटा मोटा कचरा चला जाता है, उसके बाद देख जाते हैं खत्म। नगर पालिका वगैरह में आपने कहीं शिकायत वगैरह की? आज सुबह आए थे, मेन समस्या क्या है, रोडों का निर्माण हो रहा है तो उसके कारण से नलियाँ थोड़ी सी सक्रिय हो गई हैं, तो मेरा अनुरोध ये है कि नलियों को थोड़ा सा चौड़ा बनाया जाए और नाली की जो मोटा मोटा कचरा उसको ले जाया जाए, तो जिससे क्या ना नलियों के सकरापन कम होगा तो निकास में सुविधा ज़्यादा होगी। सुनने में जो आया कि 2-3 महीने से इसकी जरा भी सफाई नहीं हुई नालियों की। नली का निर्माण जब से चालू हुआ है ना, जब से कोई यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं है।